अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ये है जी मेरा सैमसंग का नया रेफ्रिजरेटर, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है और इंस्टॉलेशन भी हो गया है। चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है इसका लॉक सिस्टम और जो ये फ्रंट की फिनिशिंग है ये काफ़ी स्मूथ है। साइड की थोड़ी सी रफ दी गई है जो कि होल्डिंग में अच्छी रहेगी। और इसमें दिए गए हैं व्हील्स, तो इजीली मूवेबल है। और जो मुझे इसका बेस्ट फीचर लगा है वो है इसकी ट्विन कूलिंग। और ये यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है, ये फ्रीज़र का है, यहाँ से आप फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और ये फ्रीज का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेकेशन मोड दिया गया है, अगर आपको कभी बाहर जाना हो तो आप वेकेशन मोड में डाल के जा सकते हो, ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रीज को। और ये जो बीच वाला है, ये फ्रीज़र है, उसको आप फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये है कूलिंग ट्रे और ऊपर जो दिया गया है ट्विन कूलिंग का, एक कूलिंग सिस्टम यहाँ दिया है, तो जो यहाँ की एयर है सिर्फ वो फ्रीज़र में ही सर्कुलेट होगी। और ये यहाँ पर दी गई है मूवेबल आइस ट्रे, ये देखिए आइस बनने के बाद आप इसे ऐसे मूव करके जो आइस क्यूब से वो इस बास्केट में आ जाएगी। और यहाँ पर भी स्टोरेज दिया हुआ है, काफ़ी स्पेसियस है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रिज, इसकी यहाँ पर दी गई है कूलिंग, तो इसकी एयर सिर्फ फ्रीज में सर्कुलेट होगी। ये नॉनवेज स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ये मूवेबल है, यहाँ पर आप छोटा सामान स्टोर कर सकते हैं और ये इजी स्लाइड है। उसके बाद इसमें दी गई हैं एक ये शेल्फ है और यहाँ पर दो बास्केट दी गई है, एक छोटी बास्केट फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए और ये एक बहुत बड़ी सी बास्केट। इधर आ जाते हैं, काफ़ी स्टोरेज दिया हुआ है, तो ये एग के लिए है, दो दी है, टोटल 12 एग्स आ सकते हैं इसमें। और ये मल्टी स्टोरेज बास्केट है, इसमें आपकी जो कांच की बॉटल होती है वो आप रख सकते हैं, एक ये स्टोरेज और एक ये बड़ी बॉटल्स के लिए स्टोरेज। तो माशाल्लाह काफ़ी स्पेसियस फ्रिज है, मुझे बहुत पसंद आया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।